मौसम की बात हो रही है और बर्फबारी की भी इस बाबत बात हो रही है, और शिमला का नाम सबसे पहले ध्यान आता है क्योंकि दूर दूर से पर्यटक इस पर्यटन स्थल का आनंद लेने के लिए आते हैं। जी हाँ, अब आप पहाड़ों की रानी शिमला से आई तस्वीरें देखिए। रिज मैदान बर्फ की मोटी परत से ढक चुका है, यहाँ पर रुई के फाहों की तरह बर्फ पड़ रही है और पर्यटकों का तो आप पूछिए ही मत, स्नोफॉल के इंतजार में ही पर्यटक शिमला आते हैं और ताजा या फिर लाइव बर्फबारी देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। देखिए संवाददाता नीरज डोगरा ने पर्यटकों से पूछा कि उनको ये मौसम कैसा लग रहा है। में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला समेत अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह से ही भारी बर्फबारी हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में, और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं राजधानी शिमला में सुबह से ही भारी बर्फबारी हो रही है। राजधानी शिमला के समेत अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है भारी बर्फबारी हो रही है, वही मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। कुछ एक पर्यटकों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, कहाँ से आए आप? सर, मैं पंजाब से आया हूँ अपने हनीमून के लिए यहाँ सेलिब्रेट करने। तो किस तरह का आपका लाइव स्नोफॉल देख के एक्सपीरियंस रह रहा है? जिस लाइव स्नोफॉल का आज मैंने मॉर्निंग जब उठा तो मुझे बड़ा सरप्राइज मिला कि यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। हम दोनों और मेरी बीवी हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ जाने का प्लान है? और जो साथ में छोटे से हिल स्टेशन है जैसे कुफरी और ये मंदिर है हनुमान जी का, डेफिनेटली जाएंगे हम। कितने दिन और रुकेंगे आप यहाँ? कम से कम 3-4 दिन तो रुकेंगे क्योंकि स्नो 2-4 दिन और है, तो हम इंजॉय करेंगे। किस तरह का आपका बर्फबारी को लेकर एक्सपीरियंस रह रहा है? एक्सपीरियंस, मैं भी सुबह बहुत शॉक गई है ना, मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी भी हम बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, रियली वी आर इंजॉइंग हियर। क्या मैसेज आप वहाँ के लोगों को देना चाहेंगे बर्फबारी के लिए? हाँ, डेफिनेटली कि बर्फबारी तो हो रही है, 2-3 दिन भी है ना, तो उनको भी यहाँ पर आकर इंजॉय करना चाहिए। सो आज बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुछ एक पर्यटक जो हनीमून मनाने के लिए राजधानी शिमला पहुंचे हैं और बर्फ का आनंद ले रहे हैं। वही मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 72 घंटे तक प्रदेश में मौसम यूं ही बना रहेगा। वही मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश हो रही है, वही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। नीरज डोगरा, जनता टीवी, शिमला। तो शिमला की खूबसूरत तस्वीरों को आपने देखा और मनाली की वादियां भी अब खूबसूरत नजर आ रही है। पहाड़ों पर बर्फ की नक्काशी के बाद सुंदरता तो पहाड़ों की आप देख ही सकते हैं, लेकिन स्नोफॉल से यहाँ के लोगों की मुश्किलें बढ़ना भी संभावित है क्योंकि 1-2 दिन के लिए तो सही, लेकिन यहाँ पर पूरी उम्र गुजारना किसी मुश्किल से कम नहीं है। इस बर्फ के बीच रहना, जहां पर पानी की कई दिनों तक किल्लत होती है, बिजली गायब हो जाती है, सड़कें बंद हो जाती है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ के मेहनती लोग इन मुश्किलों से भी पार पा जाते हैं। देखिए संवाददाता कमलेश बोध की ये ग्राउंड रिपोर्ट। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के एक्टिव होने के बाद प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और आज सुबह से ही जमाजम बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मनाली की तस्वीरें हैं, लगातार सुबह से जमाजम बर्फबारी हो रही है और जहां भी देखिए बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जितना भी जो सेब का जो बगीचा है, सेब के बगीचे के लिए खासकर मैं आपको बता दूं कि बगीचे के लिए जो चिलिंग आवर की जो आवश्यकता होती है वो पूरी हो रही है। सामने देखिए सेब का पेड़ है, बर्फ से जो है पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका है और ऐसे में जो है जो चिलिंग आवर है वो भी पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ जो है जो कई बीमारियां होती है, कैंकर की जो बीमारी होती है वो भी दूर हो जाती है बर्फबारी होने के बाद। और साथ में जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, प्रशासन ने भी लोगों वास खासकर सैलानियों को सतर्क रहने के लिए कहा है और कहा है कि जो ऊंचाई वाला इलाका है व जो नदी नाला का जो इलाका है वहां पे ना जाए। अपने सहयोगी सोनू वर्धन के साथ कमलेश वो जनता टीवी मनाली। बात कांगड़ा की करेंगे और कांगड़ा की धौलाधार पहाड़ियों पर भी बर्फ गिरी। पालमपुर में झमाझम बारिश हुई और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। कांगड़ा के पालमपुर से आई तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे और आसमान से मोती रूपी बूंदे गिर रही है। संवाददाता अनूप धीमान की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का दौर जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। प्रदेश में देर शाम से जो है बरसात का दौर जो है वो शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में जमकर बरसात जो है वो लगातार बरसात जो है वो हो रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी का दौर है। कांगड़ा की बात करूं तो 245 मिलीमीटर बारिश जो है वो जिला कांगड़ा में ही दर्ज की गई है। एवरेज सामान्य तौर पर जो है 89 मिलीमीटर जो बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जाती है जनवरी माह में, लेकिन इस बार जो ये जो आंकड़ा है वो 173 मिलीमीटर के आसपास पहुंच गया। कहीं ना कहीं 200% के आसपास जो बरसात जो है वो जिला कांगड़ा में ज्यादा हुई। ये जो बरसात अगर ज्यादा हुई है तो किसानों के लिए अच्छी खबर लेके आई है, क्योंकि गेहूं की पैदावार जो है वो बंपर होने की किसानों को उम्मीद जगी है। साथ के साथ जो बर्फबारी वाले क्षेत्र हैं जहां पर गुठलीदार जो है वो जो फ्रूट होता है, गुठलीदार जो है वो पौधे होते हैं, गुठलीदार फल जो होता है, उसके लिए जो है चिलिंग आवर जो है ये बर्फबारी जो है वो पूरे करती है। मौसम विभाग की माने तो ये सिलसिला जो है वो 2 दिन तक जारी, आज भी जारी रह सकता है और कल भी इस तरह सा सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। अगर मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी रही और बर्फबारी इसी तरह से होती रही तो पर्यटकों के एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में उमड़ने की उम्मीद है। जनता टीवी के लिए कांगड़ा से अनूप धीमान। मैदानों की तस्वीरें तो कभी पहाड़ों की तस्वीरें, ये सिलसिला ऐसा ही चलने वाला है, क्योंकि कहीं पर बारिश तो कहीं पर स्नोफॉल हो रही है। किन्नौर की तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। जनजातीय जिला किन्नौर बहुत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ के बर्फीले नजारे का कोई मुकाबला नहीं। ये पूरी घाटी शीतलहर की चपेट में है, लेकिन देखिए बर्फ की इस मोटी परत में कितना खूबसूरत ये नजारा लग रहा है। किन्नौर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी अब आपको दिखाते हैं। जरा सुनिए अनिल नेगी इस बर्फबारी को लेकर क्या कह रहे हैं। से ही बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते जिला किन्नौर में एक बार फिर से दुश्वारियां बढ़ सकती है। आपको बता दें कि जिला किन्नौर में बर्फबारी के चलते ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना भी मिल रही है। वहीं पीने के पानी की समस्याएं भी अब उत्पन्न हो रही है। जिला किन्नौर प्रशासन द्वारा लोगों को 5 फरवरी 2022 तक बाहरी क्षेत्रों में जाने से भी सख्त मनाई की है, क्योंकि बर्फबारी के दौरान जिला किन्नौर के विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन के साथ ग्लेशियरों के गिरने का खतरा बना रहता है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को एहतियातन तौर पर सफर करने से सख्त मनाई की है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा जिला किन्नौर के दुर्गम क्षेत्रों के सड़क बाहरी के लिए मशीनरी भेजी है और यदि यह बर्फबारी लगातार इसी तरह जारी रही तो जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपियो व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें अवरुद्ध हो सकती है। ऐसे में जिला के लोगों के समस्याएं दोबारा बढ़ सकती है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। तो आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने दिखाई, शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर और हर जगह पर बर्फबारी हो रही है। खूबसूरत नजारा है। मनाली की तस्वीरें भी आपको दिखाई और कुल्लू से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मनमिंदर अरोड़ा लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे कुल्लू का अपडेट ले लेते हैं कि इस वक्त मौसम कुल्लू में कैसा है। मनमिंदर, देखिए बीती रात से ही लगभग 2 बजे के बाद जो है कुल्लू जिला के तमाम जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी हो रही है, जबकि जो निचले इलाके हैं वहां पे लगातार जो बारिश का दौर जारी है। हालांकि मैं कुल्लू जिला की पार्वती घाटी की बात करूं तो कसोल, मणिकरण या फिर खीरगंगा की बात करें तो काफी जो बर्फबारी इन क्षेत्रों में हुई है। तो वही कुल्लू के जो टूरिस्ट प्लेस है जलोड़ी दर्रा, वहां पे भी 2 फीट से ज्यादा अभी ताजी बर्फबारी वहां पे अभी हो चुकी है। हालांकि जो फिलहाल जो है ऊपरी इलाकों में काफी जो संपर्क मार्ग हैं वो वहां पे टूट गए हैं, वाहनों का जो चलने का सिलसिला है वो नहीं प्रॉपर हो पा रहा है। वहीं काफी जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पे बिजली की आपूर्ति जो काफी जो ठप पड़ गई है। जिस तरह से महिमा तो संवाददाता मनमिंदर अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि मौसम खराब हो रहा है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। लाहौल स्पीति में 187 सड़कें, 2 नेशनल हाईवे, 27 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हुई है। मंडी में 2 सड़कें, 95 ट्रांसफॉर्मर्स ठप पड़े हुए हैं। कहां पर कितनी सड़कें, कितने बिजली ट्रांसफॉर्मर्स, कितने रास्ते बंद है, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी दे रहे हैं। संवाददाता मनमिंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी साफ तौर पर यह बताया कि प्रदेशवासियों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में बारिश। कुल्लू में 25 सड़कें, 2 नेशनल हाईवे, 131 बिजली ट्रांसफॉर्मर्स बंद पड़े हैं। परेशानियां लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा सड़कें ठप पड़ी हुई है, 187 सड़कें बंद पड़ी है।
तो चलिए कुल्लू के बाद अब आपको मैदानों की सैर करवाते हैं और मैदानी इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है। मंडी भी मैदानी इलाकों में आता है और यहाँ पर भी कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ग्राउंड से संवाददाता पूजा मंडियाल की इस रिपोर्ट को देखिए। हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है कल रात से बारिश हो रही है, ठंड जो है काफी बढ़ गई है। जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि 2 और 3 फरवरी को ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और भारी बारिश होने की संभावना है, तो मौसम विभाग की जो चेतावनी थी बिल्कुल सही दिखती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से ठंड काफी बढ़ गई है तो लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक मुश्किल का जो सामना करना लोगों को भी पड़ रहा है, क्योंकि कल रात से ही भारी बारिश मंडी जिला में भी हो रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि बारिश होने के कारण किस तरह से प्रभाव जो है उनके रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। सर, जिस तरह से लगातार रात से बारिश हो रही है, आप लोग दिहाड़ी करने वाले हैं, तो किस तरह से आपका काम हो रहा है? हमारा काम तो इस टाइम खत्म है, काम नहीं है, बारिश लगी है, हम बारिश में क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी अनलोड अनलोड नहीं होगी, ऐसा करना काम ही कुछ नहीं है। बारिश में कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, बारिश में क्या करना, कुछ नहीं होता काम में, न परिवार का न अपना। सभी लोग जो है अपने घरों पर रहे क्योंकि लगातार जो है बर्फबारी और बारिश हो रही है। उस तरह से ही मौसम विभाग ने भी बार बार लोगों को अलर्ट किया है कि बर्फबारी वाले क्षेत्रों में ना जाए। प्रशासन भी बार बार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि इस तरह की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाए, नदी नालों के आसपास ना जाए। पूजा मंजाल के साथ जनता टीवी हिमाचल प्रदेश मंडी।